तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई मार तुरई की सब्जी। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ लोगों को तुरई की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन अगर आप उन्हें इस तरह से तुरई की सब्जी बना के देंगे तो यकीन मानिए वो पूरी कटोरी सब्जी खा जाएंगे। फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, सबको ही ये मलाई मार तुरई की सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। और इस तुरई की सब्जी में जो बीच बीच में मिठास आएगी ना, वो इस तुरई की सब्जी के टेस्ट को और भी बढ़ा देगी। और वो मिठास किस चीज़ की होगी ये तो आपको पूरी रेसिपी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए मलाई मार तुरई की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं दोस्तों बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम एक इस तरह के बर्तन में 3 ग्लास पानी डालेंगे और फिर इस बर्तन के ऊपर हम एक इस तरह का जालीदार बर्तन रखेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का सेटअप बनके तैयार हो गया है। ये बिल्कुल ही वैसा सेटअप है जैसा कि हम मोमोज बनाने के लिए सेटअप तैयार करते हैं, क्योंकि हमें तुरई को पहले स्टीम देना है जैसे कि हम मोमोज को स्टीम देते हैं, बिल्कुल ही वैसे। अब इसके ऊपर हम अच्छे से छील के साफ़ की हुई तुरई को रखेंगे। ये हमारी 1 किलो तुरई है जिसको हमने अच्छे से छील के साफ कर लिया है। और इसी के साइड में हम अच्छे से पके हुए 3 टमाटर भी रख देंगे। इनको भी हमें तुरई के साथ ही स्टीम कर लेना है। अब हम इस तुरई को ढक के करीबन 15 मिनट तक स्टीम करेंगे, ताकि ये स्टीम में अच्छे से पक जाए और हम गैस को फुल पर ही रखेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और टमाटर की शक्ल से तो हमें पता लग रहा है कि ये तो अच्छे से स्टीम हो गए हैं और ये हमारी तुरई भी है वो भी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आपको स्टीम करने के लिए ताजी और कच्ची तुरई का ही यूज़ करना है। अगर तुरई 1 दिन की पुरानी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें स्टीम करने में फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो अब हम इन्हें नीचे उतार लेते हैं और ये देख सकते हैं हमारा इस बर्तन में थोड़ा सा ही पानी बचा है। तो सबसे पहले हम ये जो तीनों टमाटर की ऊपर की स्किन है इसको इन टमाटर से अलग कर देंगे। तो ये अलग हो गई है। अब हम इन तीनों टमाटरों को चाकू की मदद से इस तरह से कट कर देंगे। अब हम सारी तुरई को भी एक थाली में निकाल लेंगे और इन्हें भी हम इस तरह से चाकू की मदद से अच्छे से कट कर देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो तुरई को हमने कुछ इस तरह से कट कर दिया है। तो अब हमने इस पैन में 1 कड़छी तेल डाल दिया है। तो जैसे ही ये तेल गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, उसी के साथ 1 तेज पत्ता, थोड़ी सी जावित्री। बस इन तीनों को हम हल्का सा तेल में भून लेंगे और गैस जो है हमारी वो फुल पे ही है। अब जाएगा इसमें 1/2 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 बड़ी हरी मिर्च कटी हुई, उसी के साथ ही 2 बारीक कटे हुए प्याज। अब प्याज को हमने हाफ फ्राई कर लेना है, यानी कि प्याज हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना हमें इसे पकाना है। तो प्याज हमारा हाफ फ्राई हो गया है। तो अब हम करेंगे गैस को बिल्कुल ही स्लो पे, क्योंकि अब हमें इसमें डालने हैं मसाले। अब इसमें जाएगी 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च दोस्तों तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए ही सब्जी में डाली जाती है, इससे सब्जी का कलर बहुत ही खिला खिला आता है। और इसी के साथ जाएगा इसमें 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये तीखी होती है तो इसलिए हम थोड़ी ही डालेंगे, क्योंकि हमारी इस मलाई मार तुरई की सब्जी में तीखा जो है वो लाइट ही रहता है। अब इसमें गया ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, और जो हमने 3 टमाटर स्टीम किए थे वो भी इसमें डाल देंगे।
अब गैस को हम फिर से फुल पे कर देंगे और इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों आप कोई भी सब्जी बनाओ तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी सब्जी में मसाले ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको गैस स्लो पे ही कर लेनी है। इससे होता ये है कि जो आपका मसाला है वो जलेगा नहीं, क्योंकि आपकी गैस स्लो पे होगी, तो आप आराम से उसमें मसाले डाल सकते हैं और बाद में गैस को फिर से फुल पे कर दें जैसे कि हमने किया है। तो ये हमारा मसाला अच्छे से बनके रेडी हो गया है और इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। जब ये ऐसे तेल छोड़ दे तो समझ लीजिए कि मसाला अच्छे से भुन गया है। और अब जाएगी इसमें किशमिश, जिस मीठे की हम बात कर रहे थे, जो कि बीच बीच में आएगा। और इसी के ऊपर से जाएगी हमारी ये स्टीम की हुई तुरई। तो तुरई को भी हम इस मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है सब्जी का। अब हम इसे ढक देंगे और गैस को करेंगे बिल्कुल ही स्लो पर और हम इसे ढक के 4 मिनट तक पकाएंगे। तो 4 मिनट हो गए हैं दोस्तों और ये हमारी सब्जी का कलर देखिए, ये पहले से भी ज़्यादा खिला खिला हो गया। तो अब जाएगी इसमें 2 बड़ी चम्मच फ्रेश मलाई और इस मलाई को भी हम इस सब्जी में अच्छे से मिला देंगे। और ये दोस्तों मलाई का टेस्ट जो इस तुरई के साथ मिल के आता है ना, वो इस सब्जी के टेस्ट को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। यानी कि जब आप इसे खाएंगे तो आप कहेंगे वाह क्या सब्जी बनी है। मलाई को मिला लेने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ धनिया और गैस को करेंगे हम बंद। तो लीजिए दोस्तों तैयार है हमारी मलाई मार तुरई की सब्जी। तो देखा दोस्तों कितना ही सिंपल था इस सब्जी को बनाना और दिखने में ये कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खिली खिली लग रही है। और जो हमने इसके बीच में किशमिश डाले हैं ना, उसका जो टेस्ट है आपको बीच बीच में हर बाइट में मिलने वाला है और वो जो हल्की सी स्वीटनेस होगी वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और वैसे तो ये मलाई मार तुरई की सब्जी ही अपने आप में ही एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और जो नहीं खाते उनको भी खिला के देखिएगा, वो इस सब्जी को कभी भी ना नहीं करेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी मलाई मार तुरई की सब्जी की रेसिपी जो हमने आप सबके साथ शेयर की। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें जो कि तुरई नहीं खाते, ताकि वो भी तुरई खाने लग जाएं। तो मेरा तो आपसे सिर्फ एक ही कहना है, टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाना, बाहर का मत खाना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।